नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और मैं बबीता सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। पैतृक गांव परौक पहुंचे राष्ट्रपति कोविंद, धरती को किया नमन। मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं यूपी के चार दिग्गज चेहरे। मन की बात से पीएम का जनता को संदेश, अफवाहों से बचें, लगवाएं वैक्सीन। 18 माह बाद यूपी दौरे पे आएंगी कांग्रेस महासचिव यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी। बसपा का ओबीसी से गठबंधन से इनकार, यूपी उत्तराखंड में लड़ेगी अकेले चुनाव। सीतापुर में एक और मिला नया संक्रमित मरीज। लहरपुर में बाप की रखवाली करते समय युवक ने खुद को गोली से उड़ाया। पिछड़ा वर्ग संसदीय समिति के चेयरमैन ने आशा निगरानी समितियों को दवाइयां किट दी। खबरनामे की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पैतृक गांव दौरे से करते हैं। कानपुर देहात के अपने पैतृक गांव परौंख पहुंचे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का रविवार को जनता ने भव्य स्वागत किया। हेलीपैड से उतरकर सबसे पहले उन्होंने गांव की धरती को नमन किया। बाद में अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए वो भावुक हो गए। बोले, मैंने कभी भी सपने में नहीं सोचा था कि गांव के मेरे जैसा एक सामान्य बालक को देश के सर्वोच्च पद के दायित्व निर्वाहन का सौभाग्य मिलेगा, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था ने यह करके दिखा दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को परिवार के साथ परौंख स्थित कुलदेवी पथरी देवी के दर्शन किए। मंदिर के पुजारी के वाजपेयी के मुताबिक राष्ट्रपति ने 11,000 रुपए भी दान किए। इसके अलावा राष्ट्रपति कोविंद ने अपने घर के पास बने शिव जी के प्राचीन मंदिर में भी मत्था टेका। अंदर उनके साथ पत्नी और बेटी के अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। अगले बरस यानी 22 में यूपी में असेंबली चुनाव होने हैं। नतीजतन मोदी सरकार ने सीटवार जाति समीकरण साधना शुरू कर दिया है। भाजपा के सूत्रों की माने तो इस चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के चार दिग्गज चेहरों को मोदी कैबिनेट में तरजीह दिए जाने की कवायद शुरू हो गई है। मोदी मंत्रिमंडल में जिन्हें शामिल किए जाने की चर्चा है, उनमें गोरखपुर से शिव प्रकाश शुक्ला, पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी, अपना दल यस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल तथा निषाद पार्टी के प्रवीण निषाद के नाम बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के जरिए मध्य प्रदेश के बैतूल गांव के लोगों से बात की। यहां के किशोरी लाल से मोदी ने पूछा कि आपने भी वैक्सीन पर फैलाए जा रहे भ्रम के बारे में सुना है क्या? जवाब देते हुए किशोरी लाल कहते हैं कि रिश्तेदार बताते हैं कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों की मौत हो जाती है। इस पर मोदी ने कहा कि इन अफवाहों पर ध्यान ही नहीं देना, खुद मैंने वैक्सीन के दोनों डोज लगवाई है, साथ ही 100 बरस की मेरी माँ ने भी वैक्सीन के दोनों डोज लगवा ली। देश के 20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन ली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी वैक्सीन लगवाइए और दूसरों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। 22 में विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। चुनावी आहट भाप कर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी एक हफ्ते के लिए यूपी दौरे पर आएंगी। वो करीब 1.5 बरस बाद अपने दौरे पर आ रही हैं। प्रियंका 7 दिनों तक ठहराव कर पार्टी वर्करों के संग चुनावी मंथन करेंगी। साथ ही वह एक दिन के लिए अपनी मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली भी दौरे पर जाएंगी। AIMIM से गठबंधन की खबरों का बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्वीट कर खंडन किया। कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाली आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी। इन राज्यों में बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी, हालांकि पंजाब राज्य में गठबंधन की गुंजाइश रहेगी। मीडिया में गलत प्रचारित हो रही खबरों पर नजर रखने के लिए पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने
बीएसपी मीडिया सेल का गठन किया है। साथ ही उन्होंने सतीश चंद्र मिश्रा को मीडिया सेल का नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। दरअसल मीडिया में कल से यह खबर प्रसारित की जा रही है कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव AIMIM और बीएसपी मिलकर लड़ेगी। उन्होंने इस खबर को पूर्णतः गलत, भ्रामक और तथ्यहीन बताया। सीतापुर में कोरोना के नए मरीज मिलने के आंकड़ों में 5 दिन बाद फिर राहत की उम्मीद जगाई है। रविवार को जनपद में सिर्फ एक नया मरीज मिला है। इससे पहले बीते बुधवार को एक भी केस नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद मरीजों की संख्या बढ़ने लगी थी। मगर राहत की बात यह भी है कि पिछले 7 दिन से कोविड से किसी की जान नहीं गई है, लिहाजा मौतों का आंकड़ा 178 पर ठहरा हुआ है। विभाग के अनुसार 2287 लोगों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। लहरपुर कोतवाली के अकबरपुर गांव में बाघ की रखवाली करते समय एक युवक ने खुदकुशी कर ली। उसने सिर में अद्धि सटाकर गोली मारी। उसने यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इसका जवाब कोई दे नहीं सका। शनिवार की रात लालता प्रसाद अपने छोटे भाई कमल किशोर के साथ डॉक्टर सद्दन बाबू वर्मा की बाघ की रखवाली कर रहा था। रात में लालता ने अपने छोटे भाई को खाना खाने को भेज दिया। उसके जाते ही अद्धि से अपने सर में गोली मार ली। फायर की आवाज सुनकर कमल भागकर वापस पहुंचा तो वहां का मंजर देखते ही उसके होश उड़ गए। लालता खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। पास ही अद्धि पड़ी थी। मृतक शराब पीने का आदि था और 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के निर्देश पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद अहमद ने आरपी सिंह को सीतापुर का नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किया। तराई जोन के अध्यक्ष मंजीत सिंह ने जारी पत्र के जरिए नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष आरपी सिंह के गुजारिश की है कि वे स्वर्गीय प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की नीतियों पर चलकर स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह के सपनों को साकार करेंगे। जरूरतमंदों की मदद को इंडियन रोटी बैंक सीतापुर की टीमें आगे आईं। टीम के पदाधिकारियों ने जरूरतमंद लोगों को निशुल्क मां अन्नपूर्णा राशन किट वितरित की। किट में आटा, चावल, दाल, चीनी, छोला, राजमा, बेसन, चना, नमक, मसाला, बिस्किट, रिफाइंड तेल आदि शामिल हैं। कार्यक्रम में संस्थापक विक्रम पांडे, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर विजयकांत मिश्र, संरक्षक अशोक शुक्ला, पंकज शुक्ला, सुगाप्ता, विशाल मल्होत्रा, सत्येंद्र दीक्षित, आकाश मिश्र, अंजनी मिश्र, अभिषेक मिश्र, नसीम अहमद, फारूक, सौम्य श्रीवास्तव, कार्तिक दीक्षित, विकास गौड़, आशीष शुक्ला, प्रणवेश पांडे, त्रिलोकीनाथ धवन, आशुतोष शर्मा, विवेक मिश्र आदि उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन के मामले में केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय की चौखट पर पहुंचने के बाद जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। साथ ही राज्य बाल संरक्षण आयोग ने सूबे के जिला अधिकारियों को पत्र जारी किया है। इसके जरिए पत्र में कहा कि जिलों में संचालित अनाथ और बेसहारा बच्चों को पढ़ाने या उन्हें शेल्टर देने वाली सभी संस्थाओं की सूची तैयार करें। इनके कर्मचारियों का नाम, पता और मोबाइल नंबर भी सूची में दर्ज करें। चयनित बच्चों के अभिभावकों से लगातार संपर्क में रहें और बच्चों से बातचीत करते रहें। जिन बच्चों का चिन्हांकन नहीं हो पाया है, उनका जल्द पता लगाएं। संगठन सजन अभियान के विस्तार के तहत शहर कांग्रेस कमेटी संतोष भार्गव ने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की सहमत से शहर के वार्ड अध्यक्षों का ऐलान किया। शहर कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रवक्ता आशुतोष वाजपेयी के मुताबिक वार्ड नंबर 1 से मोहम्मद इमरान, 2 से राजू वाजपेयी, 3 से योगेंद्र कुमार, 4 से अजय पटेल, 5 से इसराज अहमद, 6 से रजनेश कुमार, 7 से अफजाल रहमत अली, 8 से रामलाल, 9 से सुधीर चौधरी, 10 से बीना अवस्थी, 11 से अजय गौतम, 12 से डॉक्टर रामसागर, 13 से सुभाष सिंह, 14 से अभिषेक सिंह, 15 से मोहम्मद कलीम, 16 से मोहम्मद शकील, 17 से अवध किशोर शुक्ला, 18 से संदीप अग्निहोत्री, 19 से जफरुल हक, 20 से संजीव टंडन, 21 से अजय मिश्रा, 22 से रोशन, 23 से अंकित वर्मा, 24 से मोहित पांडे, 25 से नवीन,
26 से सम्मी कपूर, 27 से राकेश मिश्रा, 28 से मुनीर अहमद, 29 से सईद अनवर, 30 से नबील अहमद को वार्ड अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। स्टडी आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। नगर पंचायत हरगांव कर्मचारी संघ का गठन किया गया कमेटी में मोहम्मद समीम उर्फ पप्पू अध्यक्ष चुने गए। नगर पंचायत हर गांव कार्यालय में आयोजित बैठक में उपाध्यक्ष विनोद कुमार रजनी, महामंत्री अहिबरन लाल, मोहम्मद आसिफ, आशा संगठन मंत्री राजेश कुमार व दीपक कुमार बनाए गए। कोषाध्यक्ष अतुल कुमार, प्रचार मंत्री सुशील कुमार, नीरज कुमार, प्रदीप कुमार को नियुक्त किया गया। सभी नियुक्त पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया और उन्हें बधाइयाँ भी दी। इस अवसर पर अनीस खां, सुरेश कुमार आदि उपस्थित थे। केंद्रीय पिछड़ा वर्ग संसदीय समिति के चेयरमैन सांसद राजेश वर्मा व जिलाधिकारी विशाल भरद्वाज ने संयुक्त रूप से आशा निगरानी समिति सदस्यों व सभासदों को दवाइयों की किट वितरित की। तीसरी लहर से बच्चों को बचाने को ये किटें बांटी जा रही हैं। सांसद राजेश वर्मा ने आशा व निगरानी समितियों को गाँव में जाकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने की नसीहत दी। जिलाधिकारी विशाल भरद्वाज ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सभासद, निगरानी समिति के सदस्य को सर्वे कर लोगों को किट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला आदि निगरानी समिति के सदस्य व अधिकारी मौजूद रहे। चोरी से आम के पेड़ काटने के मामले में मछरेटा पुलिस ने पेड़ मालिक व ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज किया है। क्षेत्र के हीरापुर के मजरा अहिदानो में आम के पेड़ों का कटान चोरी छिपे काटे जाने की पुलिस को सूचना मिली थी। इस पर उप निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद रावत, कांस्टेबल मुशर्रफ एवं विनोद चाहर ने मौके पर पहुंचे और वहां से पेड़ों के मालिक गुड्डू पुत्र राम प्रसाद व खैराबाद के अर्जुनगंज के ठेकेदार सुल्तान के खिलाफ केस दर्ज करने की कार्रवाई की है। एंटी रोमियो एवं मिशन सख्त अभियान के तहत कमलापुर और लहरपुर पुलिस ने महिलाओं को महिला हिंसा के प्रति जागरूक किया, साथ ही उन्हें अधिकार भी बतलाए। लहरपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनीष कुमार सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक पवन कुमार मिश्रा व महिला आरक्षी अनीता शर्मा ने क्षेत्र के रायपुरगंज व गणेशपुर निवादा में कहा कि जो भी गलत धारणा दिखाई दे उसकी सूचना पुलिस को दें। कमलापुर के महोली गांव में एंटी रोमियो प्रभारी निरीक्षक अंशु गौड़ ने महिलाओं को जागरूक किया। कहा कि आप खुद को अकेले मत समझें, पुलिस हमेशा आपके साथ है। मुसीबत में इमरजेंसी नंबर 112 एवं 1090 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज कराएं, उसका फौरी तौर पर समाधान होगा। इस अवसर पर थाना प्रभारी संजय कुमार, कांस्टेबल आकाश बाबू, जितेंद्र कुमार, अरुण कुमार तिवारी, रचना गौड़, दीपिका, पूर्व प्रधान ब्रजपाल सिंह, सीमा, निर्मिला देवी, सुधा, मोनिका, ताहिरा, कामनी आदि मौजूद थीं। सीतापुर में करोड़ों की कटान रोधी परियोजनाएं शारदा नदी में बह गईं। लहरपुर के कोल्हूपुर में 150 मीटर बंधा कट गया, जबकि यहां पर 5.25 करोड़ से 700 मीटर कार्य कराया जा रहा है। बंधा कटने से 30 गांवों की करीब 1 लाख आबादी पानी पानी हो गई। इसी प्रकार लहरपुर के हरकी बेहण में भी 11 करोड़ की लागत से बनाए गए 22 स्टेट भी बह गए। सोनसरी में 32 व 33 नंबर स्टेट भी शारदा नदी के बेग में बह गए। रायमरोड़ में भी 8 स्टेट उखड़ चुके हैं। बिसवा के जटपुरवा में कटान रोधी परियोजना अभी तक 50% पूरी नहीं हो सकी है।
जाहिर सी बात है कि परियोजनाओं के कार्यों में कहीं न कहीं मानकों की अनदेखी की गई है। नतीजतन यहां के ग्रामीणों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह के फरमान पर चलाए गए अभियान में थानगांव पुलिस ने एक जिला बदर अपराधी ईट गांव मजरा मन्नीपुरवा निवासी मालिक चंद्र को दबोचा है। जिला अधिकारी ने उसे 6 माह के लिए जिला बदर किया था, मगर वह यहां पर रह रहा था। आरोपी के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तारी टीम में उपनिरीक्षक प्रदीप पांडे, हेड कांस्टेबल नरसिंह व कांस्टेबल मनीष कुमार शामिल थे। रामपुर मथुरा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बुजुर्ग महिला का छूटा बैग वापस दिलाया। बैग में जमीन के कागजात व पैसे थे। महिला ने पुलिस कर्मचारियों को शुक्रिया अदा किया। दरअसल बाराबंकी जिले के फतेहपुर निवासी बुजुर्ग महिला गुड्डी पत्नी स्वर्गीय रामकिशोर रामपुर मथुरा को आई थी। यहां टैक्सी में उसका बैग छूट गया था। इसी दौरान गश्त कर रही पीआरबी 1831 को देख उसने आवाज दी। इस पर टीम ने महिला से बात की और पीआरबी टीम ने तत्परता दिखाते हुए करीब 4 किलोमीटर जाकर टैक्सी को रोककर बैग प्राप्त किया तथा उसे वापस बैग दिखाया और बुजुर्ग महिला को बैग सुरक्षित सुपुर्द कर दिया। टीम में मुख्य आरक्षी रमेश यादव, आरक्षी कृष्णदेव मिश्रा, होमगार्ड चालक दिनेश वर्मा शामिल थे। एसपी आरपी सिंह के निर्देश पर समूचे जिले में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने अभियान छेड़ रखा है। अभियान में 7 कोतवाली थाना पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर चेकिंग के दौरान 170 लीटर अवैध शराब के साथ 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली देहात मानपुर सदरपुर हरगांव में 20-20 लीटर, इमिलिया सुल्तानपुर में 70 लीटर अवैध शराब के संग 3 अभियुक्त, महोली सदना में 10-10 लीटर अवैध शराब के साथ 1 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। सेवता से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह जीन बाबू ने रविवार को रामपुर मथुरा के बाढ़ग्रस्त इलाके के अखरी गांव का भ्रमण किया। दौरे में कटान प्रभावितों ने उनसे मुलाकात कर दर्द साझा किया। कटान पीड़ितों का आरोप है कि शासन प्रशासन द्वारा आपस में बंदर बांट के कारण ही ऐसी नौबत आई है। करोड़ों रुपए खर्च किए गए लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। इस पर उन्होंने समस्याओं का शीघ्र समाधान कराने का आश्वासन भी दिया। महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत रविवार को पुलिस ने रेउसा थाना क्षेत्र के अमलोरा एवं रघुपुरवा गांव में महिलाओं को जागरूक किया। थाना अध्यक्ष राय साहब द्विवेदी, उप निरीक्षक सतीश चंद, मिशन शक्ति प्रभारी नम्रता ने महिला हिंसा के प्रति जागरूक कर महिलाओं को उनके अधिकार भी बतलाए। सदरपुर पुलिस ने 2 इनामिया गैंगस्टर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर 15,000 रुपए का इनाम था। इनके खिलाफ कई केस दर्ज हैं। दोनों शराब तस्कर बताए जाते हैं। एसपी आरपी सिंह के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद के नेतृत्व में थाना सदरपुर पुलिस ने सुखावा कला के अनिल सिंह व गुड्डू सिंह को सुखावा कला चौराहे के पास से दबोचा है। ये अवैध शराब का निर्माण कर उसे बेचने का कार्य करते हैं। दोनों करीब 2 माह से वांछित थे। इन पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। गिरफ्तारी पुलिस टीम में उप निरीक्षक अरुण कुमार शुक्ला व आरक्षी बिट्टू कटारिया शामिल थे। पासी समाज के जिला अध्यक्ष डॉक्टर लालजी भार्गव ने रविवार को बिस्वां की ग्राम पंचायत कांजी सराय में समाज के लोगों से एकजुटता का आह्वान किया। कहा कि सभी लोग संगठित होकर कार्य करें। भार्गव ने कहा कि पासी समाज का एक अनमोल इतिहास है और पासी समाज धीरे धीरे अपने इतिहास को भूलता जा रहा है, जिससे वह काफी पीछे जा चुका है। समाज के उत्थान के लिए युवाओं को आगे आना होगा। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष कांसीराम भार्गव, बाबूराम भार्गव, प्रमोद कुमार, भगवती प्रसाद, श्रीराम, अंकित कुमार, अत्यदीप आदि उपस्थित थे। लहरपुर के नबीनगर में रविवार को पंच संघ सीतापुर की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंच संघ के संयोजक विनीत सिंह ने कहा कि पंचों के सम्मान और अधिकार के लिए संगठित होकर कार्य करें।
मीडिया प्रभारी रंजीत यादव, सरोज प्रजापति ने सभी से संगठित होने का आह्वान किया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सदस्य अनु शुक्ला, कमलेश तुलसीराम, रवि कुमार कश्यप, श्री कृष्ण, जितेंद्र यादव, राम नरेश प्रजापत, जीतू शुक्ला, प्रदीप राज, राकेश राज आदि मौजूद थे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।